वेलकम टू फर्माज किचन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ऑल का ऑप्शन आपको मिलेगा उसे क्लिक करें सो डेट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई लेटेस्ट वीडियोज़ आज मैं आपके लिए बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन बिरयानी है ये इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने हाफ के जी राइस लिया है इट्स अबाउट टू कप हाफ के जी राइस को मैंने वॉश करके रख लिया है यहाँ पे हाफ़ के जी राइस में मैं हाफ़ के जी ऑफ चिकन यूज़ कर रही हूँ ये हाफ़ के जी राइस है इसी में साथ में हाफ़ के जी चिकन मैं डालूँगी और साथ ही आपका योगट जाएगा योगट मैं फुल फैट यूज़ कर रही हूँ इट्स अबाउट वन कप अनियन जाएगी आपकी स्लाइसड अनियन है ये अनियन आपकी वन टू तो टू लार्ज साइज की जो है उसको स्लाइस कर लिया मैंने साथ ही टोमेटोज़ जा रहे हैं थ्री लार्ज साइज़ के लेमन जूस हैं जिंजर एंड गार्लिक है जिंजर मैंने वन टीस्पून लिया है एंड गार्लिक टू टीस्पून है साथ ही आपका ऑयल जाएगा वन कप ऑफ ऑयल आई एम यूजिंग आपके मसाले में मैंने यूज़ किया है रेड चिली पाउडर टू टू टीस्पून रेड चिली पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है टू टी बिरयानी मसाला है थ्री टीस्पून मैं बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ ड्राइड स्पाइसेस जो साबुत मसाले होते हैं वो मैंने लिया है बेलीफ है क्लोवस है ब्लैक कार्डिमम एंड ग्रीन कार्डिमम एंड स्टिक्स स्टिक स्टिक्स दालचीनी मैं ये यूज़ कर रही हूँ मैं राइस बनाने में ये डालूंगी राइस के वाटर में डालूँगी मैं साथ ही आपका इसमें जाएगा आ, मिंट जा रहा है मैंने उसे चॉप कर लिया है धनिया पत्ती जो ग्रीन आ, कोरिएंडर लीव जो होती है स्लाइस किया हुआ आपका लेमन जाएगा साथ में वन मीडियम साइज़ की अनियन को मैंने चॉप कर लिया है ग्रीन चिली थ्री मैंने इसको स्लाइस कर लिया है वन टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड डैट ज़ीरा ये सब जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ इसे बनाना कैसे सबसे पहले मैंने एक बॉल में जो है सारे चिकन को डाल लिया है और इसी में मैं डालूँगी लेमन जूस आपका लेमन जूस चला गया साथ आपका योगर्ट जाएगा और आ, सारा योगर्ट डाल दें साथ ही इसमें सॉल्ट जाएगा आपका मैं वन टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ आप सॉल्ट कम ज़्यादा और मिर्चें कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें आप जितना लेती हैं इसे मैं मैरिनेट करके छोड़ दूंगी फॉर अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बना सकती हैं नो नु, नो इशू मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है ऑयल डालते ही मैं इसमें स्लाइस की हुई जो अनियन मैंने रखी थी वो डालूँगी इसमें अनियन चली जाएगी स्लाइसड और इसे मैं वेट करूँगी इससे एक गोल्डन सा कलर आ जाएगा सॉफ्ट सी हो जाएगी तब मैं इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी इसे मैं कुछ मिनट दे दूँगी और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है साथ ही आपका इसमें जाएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक डालने के बाद भी मैं इसे कुछ सेकंड दूंगी ताकि ये ऑयल में और अनियन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बेहतरीन सी इसकी अरोमा आए साथ ही आपका टमाटोज चला जाएगा इसी में मैं ऐड करूँगी मिक्स कर लें बेहतर से और फिर इसी में मैं टमाटोज डाल रही हूँ इसे मिक्स कर लें और ये इसकी बेहतरीन सी ग्रेवी रेडी हो जाती है तभी मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी अभी तो इसमें ड्राइड स्पाइसेस जो हमारे बचे हुए हैं उन सबको मैं ऐड करूँगी ये आपके सारे ड्राई स्पाइसेस चले गए मिक्स इट वेल और मैं इसमें अच्छे से इसे मिला लें बेहतर से और इसकी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है इसी में मैरिनेटेड चिकन जाएगा मेरा फ्लेम मीडियम टू हाई पे मैंने रखा है और चिकन को भी जो है मैरिनेटेड चिकन मैं ऐड कर रही हूँ चिकन को भी जो है मैं ओवर कुक नहीं करें आप ओवर कुक करने से क्योंकि ये बिरयानी है ऐसे भी देखें बिरयानी में चिकन ज़्यादा कुकड हुआ हुआ नहीं अच्छा लगता है मैं इसे नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट कुक करूँगी और फिर जब दम पे डालती हूँ तब भी ये कुक होता है अच्छे से ये चिकन मेरा रेडी हो चुका है इट्स ऑलमोस्ट डन और अब मैं अब मैं आपको दिखा दूँ आगे का प्रोसेस जो होगा इससे मैंने छोड़ दिया है और यहाँ राइस का मैंने वाटर बॉईल करने के लिए पतीले में चढ़ा दिया था इससे में ड्राइड स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं साथ आपका सॉल्ट जाएगा मैं फोर टीस्पून स्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं आ, सारा वाटर डिस्कार्ड कर दूँगी इस वजह से इसमें सॉल्ट ज़्यादा जाता है वंस आपका राइस रेडी हो जाएगा तो इसका वाटर सब डिस्कार्ड कर दूँगी मैं सब राइस को स्टेन कर लूँगी प्रॉपरली बॉयल हो चुका है इसी में मैं राइस ऐड कर रही हूँ वॉश्ड किया मेरा राइस था मैंने आपको दिखाया था इसी को मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसे मैं कुक करूँगी फॉर सेवेंटी फ़ाइव टू एटी परसेंट ओवर कुक ना करें बिरयानी है ध्यान रहे ओवर कुक ना हो राइस ना चिकन क्योंकि राइस भी बिल्कुल खिला खिला हुआ अच्छा लगता है और चिकन की भी बोटी अच्छी दिखनी चाहिए ये देखें राइस कुक हो चुका है इट्स अबाउट एटी परसेंट और इसमें मैं अब लेयरिंग का प्रोसेस पे जाते हैं चिकन मेरा कुक हो चुका है चिकन रेडी है राइस रेडी है और मैं अब इसका लेयर लगाऊंगी सॉरी वो मैंने जो अनियन आपको दिखाई थी उसका पहले मैं प्रोसेस कर लेती हूँ मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है साथ ही आपका इसमें जो मैंने अनियन और ज़ीरा और मिर्चें जो दिखाई थी उसका काम मैं करने जा रही हूँ इसमें आपकी चली गई क्यूमेंस सीड और कुछ सेकंड के बाद फिर इसी में मैं अनियन ऐड कर दूंगी ये डन हो चुका है इसी में साथ आपका जाएगा अनियन ये मैंने चॉप कर लिया है अंडे की तरह जो प्याज कटती हैं ऑमलेट वाली उस तरीक़े से मैंने किया है इसे हल्का सा गोल्डन कलर डालूँगी और इसी में मेरा ग्रीन चिली जो मैंने स्लाइस करके रखा था चॉप किया हुआ ग्रीन चिली चला जाएगा ग्रीन चिली चला गया और ये मैं ऊपर से बिरयानी की लेयरिंग लगाने के बाद ऊपर से मैं इस चीज़ का आ, तड़का डालती हूँ इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है अब मैंने उसे कर लिया है उसे एक साइड पे आप रख लें ज़्यादा ना उसे बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए ऐसा ना करें क्योंकि उससे मज़ा ख़राब हो जाता है राइस में मैंने गरम मसाला पाउडर जो है थोड़ा सा डाला है साथ ही आपकी कोरिएंडर लीफ ग्रीन कोरिएंडर लीफ मेन रैस पुदीना स्लाइसड लेमन मैंने आपको दिखाया था वो जा रहा है और इसी पे जो है मैं चिकन डालूँगी ये आपका चिकन चला गया बहुत ज़बरदस्ती स्मेल आ रही है बहुत यमी लग रहा है बस जल्दी से कुड हो जाए और ये चिकन की लेयर के बाद मैं इसमें राइस की लेयर डाल रही हूँ ये सारा आपका राइस चला गया चिकन चला गया ऊपर से मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी इससे एक दूसरा टेस्ट आता है तो थोड़ा सा डालने से अच्छा मज़ा लगता है बहुत हम लोग यूज़ करते हैं आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें साथ बची हुई हमारी जो कोरिएंडर लीफ थी मेंट था वो सब मैंने ऊपर से डाल दिया है साथ ही आपका फूड कलर जाएगा ऑरेंज फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ और जो मैंने बिरयानी किया था आपने देखा वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है इसे मैं दम पे रखूँगी फॉर अबाउट टेन टू फिफ्टीन मिनट और आ, नीचे में मैंने आ, तवा रखा है उसी पे ये रख रही हूँ मैं ये इस वजह से रखा है कि नीचे वो सटे नहीं बिल्कुल लग जाता है तो फिर बिरयानी का मज़ा नहीं आता है ये देखें ये रेडी हो चुका है मैंने इसमें पटैटो डाला है अगर आप चाहते हैं तो आप भी डाल सकते हैं अप टू यू अप टू योर विश है ये मुझे पसंद है बच्चों को पसंद है इस वजह से मैंने इसमें डाला है ज़रूर ट्राई करें बहुत मज़े की बनती है दुआ में याद रखें And thank you for watching the video